हिजरत का दसवां साल था पैगम्बर अक्रम सल्हस अपना आखिरी हज जिसको हजत के नाम से याद किया जाता है अदा किया मरासी में हज के पर कसीर मजमा पैगम्बर के कारवा के हमरा हो गया ताकि रसूल अक्रम की आखिरी जारत कर सकें वापसी के सफर में तमाम कारवान गदीर खुम नामी जगह पर पहुंचे يحي هو مقام تھا کہ فرشتوں کے سردار جبرائیل امین نازل ہوئے تاکہ اہم ترین حکم الہی کو پیغمبر رحمت کے وسیلے سے دنیا کے لوگوں تک پہنچائیں آیت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس एरसूल जो कुछ तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से नाजिल किया गया है उसे पहुंचा दो और अगर ऐसा ना किया तो गोया कार रसालत ही अंजाम न दिया और अल्लाह आदमियों के शर से तुमको महफूज रखेगा बेशक अल्लाह मुनकर लोगों की रहबरी नहीं फरमाता आखिर ये क्या पैगाम था कि अगर न पहुंचाया गया तो तबलीग रसालत इलाही में उठाई जाने वाली पैगम्बर की तेईस साल जहमतें बेकार जाती इस पैगाम के पहुंचते ही पैगंबर ने कारवानों को रुकने का हुक्म दिया एक अजीब गरीब हंगामा बरपा हो गया था हजरत ने हुक्म फरमाया कि तमाम लोग गदीर खुम में जमा हों और जो जा चुके हों लौट आए और जो रास्ते में हैं वो जिस कदर जल्द हो सके खुद को वहां पहुंचाएं। एक बहुत बड़ा मिंबर ऊंटों के कजावों से तैयार किया और पैगंबर उस मिंबर पर तशरीफ फरमा हुए मजमा हैरान है कि आखिर क्या हो गया क्या अहम काम पेश आ गया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिताब के आगाज होने पर तमाम शोरगुल एकदम रुक गया हत्ता कि हवा के चलने की आवाज तक सुनाई नहीं देती थी पैगंबर सल्लल्लाहु ने अपने कलाम का आगाज परवरदिगार की हमदोसना से किया और एक तूलानी खुतबा पढ़ा उस खुतबे में आपने खुदावंद और उसकी नमतों और उस तमाम अरसे में अपनी तमाम तर ज़हमतों यानी तबलीगरत का जिक्र किया फिर फरमाया लोगों क्या मैं तुम पर तुम्हारी जानों से ज्यादा इख्तियार और फजीलत नहीं रखता सब ने यक जबान होकर ताइद की हाँ या रसूल तमाम लोग दम खुद पैगंबर के सिलसिले कलाम के जारी होने के मुंतजर थे सोच रहे थे क्यों पैगंबर ने ये क्या फरमाया कि हमने इनको अपना रहबर और पैगंबर तस्लीम नहीं किया फिर ये कैसा सवाल है इस मौके पर पैगंबर ने एक हस्ती जो आपके बराबर में रौनक अफरोज थी उसका हाथ पकड़ा और बुलंद किया तमाम लोग उस शख्स से आशना थे आखिर कौन होगा जो सबसे पहले मुसलमान मर्द दामाद पैगम्बर और इस्लाम के बुलंद मरतबा मुजाहिद यानी अमीरिन अभी अलैहिस्सलाम को न पहचाने पैगम्बर ने आपका दस्ते मुबारक बुलंद किया और मजमे की सिमत रुख करके फरमाया जिस जिस का मैं मौला हूं उस उसका ये अली मौला है फिर फरमाया खुदा वंदा इसके दोस्तों को दोस्त रख और इसके दुश्मनों को दुश्मन जान खुदाया इसके साथियों की नुसरत फरमा और इसके दुश्मनों को और रस्वा कर परवरदिगार हक को हमेशा इसके हमरा रख और इसको हक़ से जुदा न कर फिर इसके बाद पैगम्बर अक्रम सला वसलम ने अपने जानशीन बारह इमामों को मुतारफ़ करवाया और मेहदीए आल मोहम्मद अज्जल तर के जहूर की बशारत दी जो दुनिया को म जोर से भर जाने के बाद इसको इंसाफ से पुर करेंगे फिर फरमाया आगा हो जाओ तमाम हाजरीन को चाहिए कि इस खबर को दूसरों तक पहुँचाएँ मजमे में एक अजीब गवा एक शोर बर्फा था सबकी गुफ्तु का महवर यही मौजूद था बाज़ लोग खुश थे और बाज फिक्र में गलता। अभी मजमा मुतफरक न हुआ था कि दोबारा वही का फरश्ता पैगंबर पर नाज़िल हुआ और दूसरी आयत लाया आयत اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا आज मैंने तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए कामिल कर दिया और अपनी नेमत तुम पर तमाम कर दी और तुम्हारे दीन इस्लाम से राजी हो गया हाँ खुदा की रजा इस्लाम को हासिल है जो अली सलाम और दीगर की विलायत के हमरा हो पैगंबर ने इन आयात को सुनते हुए तकबीर कही लोगों ने भी तकबीर बुलंद की इसके बाद लोग मुसलसल सफ बसफ शोक के साथ इमाम अली के पास आए और उनको हदिया तबरीक पेश किया इस असना में वो मुनाफिकीन जिन्होंने बाद में खिलाफत में गास्िबाना हाथ दिया वो भी नजर आ रहे थे हमारा वजीफा ये है कि इमाम अली और उनके मासूम फरजंदों के साथ बैत करें और इस जमाने में हजरत बकेतल्लाह के लिए हमारी रूहें फिदा हूँ